आज तारीख हो चुकी है 20 जनवरी। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 10 बड़ी खबरें और 10 बड़े अपडेट्स निकल कर आई। मैं सुडा आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 10 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी है क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 10 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती होती है वुमेन्स आईपीएल के लिए सभी टीमों के पार्स बैलेंस को लेकर। दरअसल वुमेन्स आईपीएल का हमें फरवरी में ऑक्शन देखने को मिलेगा। ऑक्शन के लिए सभी टीमों के अब पार्स बैलेंस अवेल हो चुके। इस साल वुमेन्स आईपीएल में यहाँ पर सभी टीमों को 12-12 करोड़ का पार्स बैलेंस अलॉट किया जाएगा। 12 करोड़ में टीमों को यहाँ पर 25 खिलाड़ियों का स्क्वाड बिल्ड करना होगा। कुल मिलाकर 5 टीमें 25-25 खिलाड़ी 12 करोड़ में यहाँ पर पिक कर पाएगी और 10 लाख से लेकर 30 लाख के बीच प्लेयर्स अपनी बेस प्राइस सेट कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर मेंस आईपीएल के कंपेयर में वुमेन्स आईपीएल में काफी कम पर्स बैलेंस रखा है। काफी लोगों ने इसकी आलोचना करी, काफी लोगों ने यह कहा है कि अगर जहां पर बीसीसीआई एक तरफा यहां पर मेंस क्रिकेटर और वुमेन्स क्रिकेटर को यहां पर बराबर लाना चाहती है, लेकिन यहां पर पर्स बैलेंस के मामले में बीसीसीआई ने काफी गलत किया है। बीसीसीआई ने बताया कि अगले साल यहां पर 13.5 करोड़ हो जाएगा, इसके बाद 15 करोड़, 16.5 करोड़ और इसके बाद 18 करोड़ यहां पर वुमेन्स आईपीएल का पर्स हो जाएगा। हर साल 1.5 करोड़ बढ़ोतरी करी जाएगी, लेकिन इस साल यहां पर केवल 12 करोड़ टीमों का पर्स रहेगा। आप कमेंट करके बताइए इतने कम पर्स में यहां पर टीमें 25 खिलाड़ी आखिर परचेस कर पाएगी या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है सूर्य कुमार यादव को लेकर। दरअसल सूर्य कुमार यादव T20I में नंबर 1 बल्लेबाज है, लेकिन ODI में इनका पिछले 10 पारियों में काफी खराब फॉर्म रहा। आप अपनी स्क्रीन पर इनकी पिछले 10 पारियों के यहां पर स्कोर देख पा रहे होंगे, जहां पर इन्होंने अलग अलग नंबर पर बल्लेबाजी करी, इसी वजह से इनके यहां पर स्कोर ऊपर नीचे। पिछले 10 पारियों में इन्होंने केवल 152 रन बनाए और केवल 16 का इनका एवरेज है। तो वनडे में यहां पर इनका T20 की तरह यहां पर फॉर्म नहीं रहा है, जहां पर T20 में तो इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। T20 में तो ये दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बन चुके हैं। T20 में एक तरफा मुकाबले को जीता लेते हैं, लेकिन वनडे में यहां पर इनका परफॉर्मेंस थोड़ा कम दिखा। वैसे आप कमेंट करके बताइए वनडे में आखिर इतने अधिक फेलियर के पीछे क्या रीजन है, क्या इनको अलग अलग जगह बल्लेबाजी कराना यहां पर वनडे में इनके फेलियर का रीजन है या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है MS धोनी की तरफ से। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर MS धोनी की फोटोज और वीडियोज देख पा रहे हैं, जहां पर MS धोनी ने नेट्स में अब तैयारियां शुरू कर दी। IPL 2023 के एडिशन की इन्होंने यहां पर तैयारियां शुरू कर दी। MS धोनी ने अब नेट्स में प्रैक्टिस शुरू कर दी। MS धोनी ने यहां पर चेन्नई के कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ, डोमेस्टिक गेंदबाजों के साथ अब नेट्स में तैयारियां शुरू कर दी। इसके साथ ही कल सोशल मीडिया पर खबरें भी थी कि MS धोनी ने यहां पर नेट्स में 35 के करीब बॉल खेली थी और 35 बॉलों में 100 से भी अधिक रन इन्होंने स्कोर किए थे। तो कुल मिलाकर MS धोनी को लेकर यहां पर चेन्नई के लिए बड़ी कुछ खबर। MS धोनी का आखिरी सीजन और MS धोनी ने आखिरी सीजन के लिए 3 महीना 2 महीना पहले ही अब तैयारियां शुरू कर दी। तो आखिरी IPL एडिशन में कंप्लीटली यहां पर फिट और कंप्लीटली हमें मैच रेडी दिखेंगे। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर MS धोनी की प्रैक्टिस की फोटो वीडियो इसके साथ ही क्रिकेट से जुड़ी सारी खबरें आपको सबसे पहले मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है माइकल ब्रेसवेल की तरफ से। दरअसल माइकल ब्रेसवेल ने पहले वनडे मुकाबले में यहां पर सबको इंप्रेस कर दिया था। 140 रन की काफी विस्फोटक इनकी पारी रही थी। इस पारी के बाद यहां पर काफी सारी टीमों के ओनर्स इनके साथ कॉन्टेक्ट में, जहां पर रिजर्व या फिर रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी ना किसी टीम में 100% कन्फर्म रूप से अब आ जाएंगे। कोई ना कोई टीम इनको कन्फर्म रूप से अपनी टीम में शामिल करेगी और यहाँ पर ब्रेसवेल ने यह बताया कि ये किसी भी टीम में जाएंगे तो ये काफी खुश रहेंगे, क्योंकि IPL खेलना हर एक खिलाड़ी का रिसेंट टाइम में सपना होता है। जिस प्रकार से IPL दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन चुकी है, जिस प्रकार से फुटबॉल ने यहाँ पर एक मुकाम हासिल किया, उसी प्रकार से क्रिकेट में IPL ने वो मुकाम हासिल कर लिया। तो माइकल ब्रेसवेल ने बताया कि IPL में ये भले ही किसी भी टीम से खेले, लेकिन IPL में खेलना इनके लिए काफी प्राउड की बात रहेगी और IPL में भी यहाँ पर इस प्रकार की पारियां खेलना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कौन सी टीम ब्रेसवेल को अपनी टीम में शामिल करेगी, आप ब्रेसवेल को आखिर कौन सी टीम में देखना चाहते हो। बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है यहाँ पर 5 ओवरसीज प्लेयर्स के रूल को लेकर। दरअसल फाइनली बीसीसीआई ने यहाँ पर IPL में 5 ओवरसीज प्लेयर्स के नियम को अब अप्लाई कर दिया, लेकिन इस साल यहाँ पर केवल वुमेन्स IPL में ये नियम अप्लाई हुआ। वुमेन्स IPL में 5 विदेशी खिलाड़ी यहाँ पर प्लेइंग 11 में देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर अब यहाँ पर मार्च में वुमेन्स IPL का एडिशन शुरू हो जाएगा और प्लेइंग 11 में 4 नहीं बल्कि 5 विदेशी वुमेन्स खिलाड़ी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इससे ये भी संकेत है कि IPL में जो कि मेन्स IPL होता है, वहां पर भी 5 विदेशी खिलाड़ियों का यहाँ पर नियम देखने को मिल सकता है। तो इस नियम को लेकर लगातार लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पर लोगों की ये विश अब कंप्लीट हो जाएगी, हमें यहाँ पर सभी टीमों में अब मोस्टली 5 विदेशी खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। आप कमेंट करके बताइए क्या 5 विदेशी खिलाड़ी सभी टीमों में अलाउ करने चाहिए या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है IPL 2023 के एडिशन की स्टार्टिंग डेट को लेकर। दरअसल IPL को लेकर लगातार काफी अधिक खबरें देखने को मिल रही है। इसी सिलसिले में IPL
की स्टार्टिंग डेट अब कंफर्म हो चुकी है बीसीसीआई के सोर्सेस ने कल बताई, या तो 31 मार्च से या फिर 1 अप्रैल से आईपीएल 2023 के एडिशन का शुभारंभ होगा और 4 जून तक आईपीएल चलेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 64 से 65 दिन आईपीएल चलेगा और 74 मैचेस इस टाइम पीरियड में हमें कंप्लीटली देखने को मिलेंगे। तो आईपीएल की शुरुआत में अब लगभग 2 से 2.5 महीने का केवल समय बचा है, जल्दी अब आईपीएल का शुभारंभ होने वाला है। इसके साथ ही वुमेन्स आईपीएल अब 4 मार्च से शुरू हो जाएगा, जहां पर 25 जनवरी को वुमेन्स आईपीएल की टीमों के नाम और टीमों के ओनर्स पता चल जाएंगे और मोस्टली 12 फरवरी को वुमेन्स आईपीएल का ऑक्शन होगा और 4 मार्च से यहां पर वुमेन्स आईपीएल के एडिशन की शुरुआत हो जाएगी। 22 मैचेस वुमेन्स आईपीएल में यहां पर होंगे और यहां पर मोस्टली 22 या फिर 24 मार्च को वुमेन्स आईपीएल का फाइनल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आईपीएल को लेकर आपको इस टॉपिक पर ए टू जेड सभी इन्फॉर्मेशन वैसे यहां पर इस न्यूज में मिल चुकी है। तो आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। आप कमेंट करके बताइए आप मेंस आईपीएल के लिए या फिर वुमेन्स आईपीएल के लिए आप कौन सा आईपीएल के लिए सबसे अधिक एक्साइटेड हो। बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है रविंद्र जाडेजा की तरफ से। दरअसल बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट इसके साथ ही चेन्नई के लिए बड़ी खुशखबरी, जाडेजा ने अब बॉलिंग यहां पर शुरू कर दी है, यहां पर नेट्स में गेंदबाजी शुरू कर दी और भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अब ये कमबैक कर रहे। उससे पहले एक रणजी मुकाबला खेलकर ये कमबैक करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर जाडेजा को बॉलिंग करते हुए देख पा रहे हो। कुल मिलाकर चेन्नई और यहां पर भारतीय टीम के लिए बड़ी खुशखबरी, जाडेजा अब यहां पर एक बड़ी सीरीज और बड़े आईपीएल से पहले कंप्लीटली फिट और कंप्लीटली अवेलेबल हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं आठवीं बड़ी खबर की, तो आठवीं बड़ी खबर निकल कर आती है मयंक अग्रवाल की तरफ से। दरअसल मयंक अग्रवाल को हैदराबाद की टीम ने ऑक्शन में काफी बड़े एक्सपेंसिव प्राइस में यहां पर परचेस किया था और इन्होंने अपनी प्राइस को जस्टिफाई किया। कल यहां पर रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में 208 रन की इन्होंने पारी के लिए और इस रणजी के एडिशन में 9 पारियों में ये 583 रन बना चुके, 72 का इनका एवरेज है। इसके साथ ही 200 एक डबल हंड्रेड और 4 अर्धशतक ये जड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर मयंक अग्रवाल ने अपनी प्राइस को हाल फिलहाल जस्टिफाई किया और यहां पर हैदराबाद के कप्तान बनने के भी यहां पर काफी बड़े दावेदार है। तो कुल मिलाकर हैदराबाद की टीम के लिए नए कप्तान को लेकर एडन मार्करम इसके साथ ही मयंक अग्रवाल ने अब चिंताएं बढ़ा दी। आप कमेंट करके बताइए आखिर किसे यहां पर हैदराबाद को कप्तान बनाना चाहिए, आप किसे हैदराबाद के कप्तान के तौर पर देखना चाहते हो। अब हम बात कर लेते हैं नवी बड़ी खबर की, तो नवी बड़ी खबर निकल कर आती है भारत न्यूजीलैंड के दूसरे वनडे मुकाबले को लेकर। दरअसल कल यहां पर दोपहर 1:30 बजे से रायपुर से भारत और यहां पर न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने काफी टफ फाइट दी थी, इस मुकाबले में अब भारतीय टीम यहां पर न्यूजीलैंड को यहां पर कम नहीं आ सकती। भारतीय टीम को यहां पर अपनी बेस्ट 11 खिलानी होगी और पिछले मुकाबले से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। तो कुल मिलाकर अब कल यहां पर काफी इंपॉर्टेंट मुकाबला होगा। आप कमेंट करके बताइए कौन सी टीम को आप सपोर्ट करोगे, आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम कल जीतेगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, वहां पर इस मुकाबले के रिगार्डिंग ए टू जेड सब इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं दसवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो दसवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है मुंबई इंडियंस के कायरन पोलार्ड को लेकर। दरअसल कायरन पोलार्ड ने IL T20 में यहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया, एमआई एमिरेट्स की कप्तानी करते हुए इस टीम को इन्होंने पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचा रखा और यहां पर इनके प्रदर्शन के बाद लगातार सोशल मीडिया पर ये खबरें फैल रही है कि पोलार्ड रिटायरमेंट वापस ले रहे, मुंबई की तरफ से वापस खेलेंगे। लेकिन पोलार्ड ने यह बता दिया कि आईपीएल से रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहे, मुंबई के यहां पर बैटिंग कोच के तौर पर हमें आईपीएल में नजर आएंगे, मुंबई के लिए प्लेयर नहीं बल्कि इस साल ये कोच के तौर पर अब मुंबई के लिए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर कायरन पोलार्ड कोच के तौर पर आईपीएल 2023 के एडिशन में हमें मुंबई के लिए नजर आएंगे। जो सोशल मीडिया पर इनको लेकर जो खबरें फैल रही है कमबैक कर रहे हैं वो यहां पर केवल कोच के तौर पर ये कमबैक कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आप पोलार्ड को यहां पर कोच की जगह प्लेयर के तौर पर अब भी आईपीएल में खेलना चाहिए या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।